तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है और आपको नहीं पता है कि इसके लिए जरूरी चीज़ें क्या होती हैं, तो उनको मैं आप इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ये है कि आप अपने YouTube चैनल के लिए किस तरह की वीडियोज बनाना चाहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी वीडियोज या फिर कॉमेडी वीडियोज या हेल्थ से रिलेटेड, और अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप उस पर भी वीडियोज बना सकते हैं। इनमें से आपको एक टॉपिक चूज कर लेना है। टॉपिक चूज करने के बाद हमारी दूसरी चीज आती है, यूट्यूब के लिए वीडियो किससे शूट करें, कैमरे से या फिर मोबाइल फोन से। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो शुरुआत में आप किसी DSLR कैमरे के झंझट में ना पड़ें, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। इसके लिए आप अपने बजट का 10 से 15,000 रुपए तक का एक अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन परचेज कर लीजिए और उससे आप एक अच्छी वीडियो शूट कर पाएंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड के लिए कौन सा माइक यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में 250 से 1,000 रुपये तक के माइक मिलते हैं जो सही होते हैं। उनमें से आप एक माइक चूज कर लेंगे और आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ आती है वीडियो एडिटिंग की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको फिल्म हो रहा है, एडोब, ओवरलिंक, डायरेक्टर जैसे अच्छे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, इनसे आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर पाते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तब भी आप स्मार्टफोन से एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे काइनमास्टर की मदद से। तो इसके लिए आपको काइनमास्टर चलाना आना चाहिए, और अगर आपको काइनमास्टर चलाना नहीं आता है तो काइनमास्टर सीखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और आपको वहाँ काइनमास्टर सीखने के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तो आप उससे देखकर सीख सकते हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो आता है, जो हमारे नए यूट्यूबर्स होते हैं या फिर यूट्यूब पर आना चाहते हैं, उनके मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या यूट्यूब से अर्निंग होती है। तो इसका आंसर है जी हाँ, होती है। पर अर्निंग कब शुरू होती है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अर्निंग जब शुरू होती है जब आपके चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर प्लस 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है और आज अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब को अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ से आपका चैनल मोनेटाइज होता हो जाता है। उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होती है। अब बात आती है कितनी अर्निंग होती है, तो ये आप पर डिपेंड करती है कि आप अपनी वीडियो कितनी अच्छी बनाते हैं, किस टॉपिक पर बनाते हैं, वीडियो क्लियर बनाते हैं और कहां से आपके कितने व्यू आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।